अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बानो चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बलोची चिकन टिक्का, जो नहायत ही मज़ेदार होती है और बड़ी मशहूर है। आजकल रेस्टोरेंट में, ढाबे पे हर जगह ही खाई जाती है, तो मैंने भी आज बनाई है। तो चलते हैं हम इसकी तैयारी की तरफ। व्यूअर्स, ये मैंने चिकन के 3 टिक्के के पीस लिए थे, जिसको मैंने बीच में से आधा काट दिया है, और इस तरीके से ये हर टिक्के के 2-2 पीस हो गए हैं। अब इसमें हम जो है सिरका मिलाएंगे टिक्के में। तकरीबन मैं मिलाऊंगी इसमें 1-2 चम्मच सिरका, और इसमें जो है शामिल करेंगे हम नमक 1/2 चम्मची। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को टिक्के के सिरके में अच्छे से मिक्स करके, नमक को सिरके को टिक्के में अच्छे से मिक्स करके, और इसके बाद इसको हम रख देंगे 30 मिनट के लिए। इसको मैंने मिक्स कर दिया है सिरके और नमक में, और इसको 1/2 घंटे के लिए अब हम फ्रिज में रख दे रहे हैं। टिक्के में सिरका और नमक मिला के रखा था, इसको 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। ये मैंने बना के रखा है इसका बलोची टिक्का मसाला। तो बलोची टिक्का मसाला में जो है मैंने बना कर रख लिया है, वो उसमें मैंने जो अज्जा शामिल किए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। साबुत धनिया को मैंने लिया है 3 टेबल स्पून, उसको भून कर मैंने पीस लिया है। तो 3 टेबल स्पून है ज़ीरा सफ़ेद, इसको भी मैंने भून कर लिया है 3 टेबल स्पून। लाल कुटी मिर्च ली है 3 टेबल स्पून। गरम मसाला मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। काली मिर्च पीसी 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, उसको मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। चाट मसाला 1 टेबल स्पून। कढ़ाई मसाला 3 टेबल स्पून। और इसके साथ अब हम जब फ्राई करेंगे तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच डालेंगे। तो चलते हैं हम इसके अगले प्रोसेस की तरफ। व्यूअर्स, हमने 2 कप तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और इसको गरम नहीं करेंगे। गरम करने इसको बिल्कुल धीमी आंच पे भी मैंने रखा है, क्योंकि इसमें गोश्त डालना है। तो अब हम इसमें गोश्त डालते हैं। व्यूअर्स, चिकन को हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम गोल्डन करेंगे, हल्का गोल्डन कलर करेंगे। अब ये इसी तरीके से फ्राई होगी। व्यूअर्स, ये इसका एक साइड फ्राई हो गया था, इसको मैंने दूसरा साइड फ्राई किया है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का डाला है, और इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्च तकरीबन 4 अदरक, साथ साथ हरी मिर्च भी डाल दिया है। अब ये फ्राई होगा इसमें। जब दोनों साइड फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको बाहर डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, ये टिक्का दोनों साइड से फ्राई हो गई है चिकन। अब मैं इसको तेल से निकाल रही हूँ। व्यूअर्स, ये चिकन फ्राई हो गई है। अब हम इसके ऊपर से ये मसाला डालेंगे इसके ऊपर। व्यूअर्स, हमने मसाला छिड़क दिया है, और इसके ऊपर अब हम पुदीना, हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ है वो छिड़क रहे हैं। व्यूअर्स, ये आज की हमारी डिश बलोची चिकन टिक्का तैयार हो गई है। ये नहायत मज़ेदार होती है और बहुत आसान है और बहुत ही लजीज लगती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा और फेसबुक पे मेरे चैनल को, मेरे पेज को फॉलो कीजिए और मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।